नमस्कार आदाब, भारत छोड़ो यात्रा। देखिए रास्तों पर बर्फ जमे हुए हैं, हर तरफ बर्फ है, इस तरफ भी बर्फ है, उस तरफ भी बर्फ है और उस तरफ भी बर्फ है। लगातार पूरे सड़कों पर बर्फ का जमाव है, मतलब उसके बावजूद ये जो विधानसभा ये काजीपुर का इलाका है और यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कितने लोग जुड़े हुए, कितनी भीड़ है, उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी यहाँ एक डिग्री से कम टेम्परेचर, उसके बावजूद राहुल जी सिर्फ एक टी शर्ट में निकल रहे और एक टी शर्ट में ही उनका पूरा यात्रा लगभग चल रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद जो है जब वो कश्मीर में राहुल गांधी जी एक टी शर्ट से जैकेट में या हो सकता है कि कोई स्वेटर पहनेंगे, मगर आज भी राहुल गांधी सिर्फ एक व्हाइट कलर के टी शर्ट में जम्मू कश्मीर के बर्फीली वादियों से गुजर रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा। और खास करके जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो राहुल गांधी का अलग अलग तरीके से हर तरफ घर के कोने पे खड़े होकर इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से पूरा बर्फीली इलाका है और इस पूरे बर्फीली इलाके में राहुल गांधी जी पूरे यात्रा के बीच सिर्फ एक टी शर्ट से गुजर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक संदेश, एक सौगात, एक मैसेज जरूर दे रहा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा चल रहा। जनाब क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अच्छा तो अब्दुल रशीद साहब, इतनी ठंड है मगर राहुल जी आज भी सिर्फ एक व्हाइट कलर के टी शर्ट में, क्या संदेश ये है? गॉड गिफ्ट होता है किसी को, ये पूरे दुनिया में सिर्फ राहुल जी को है। अच्छा, बाकी और कोई नहीं राहुल जी के बराबर। अच्छा, मैं पूरे दुनिया के लीडर देखे है, बट ही इज ए सिंगल मैन राहुल जी। अच्छा, जो आज इस देखो हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, कितने कपड़े पहन के? अच्छा, मगर इसके वही टी शर्ट। ठीक है तो शाहनवाज भाई, पूरा यात्रा खत्म होने को है, राहुल जी आज क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं, सिर्फ एक टी शर्ट में बर्फीली वादी पहन ले स्वेटर? देखिए सत्य का कवच है पैदा हुआ उन्होंने, लोगों के विश्वास का कवच है। हाँ, वही वजह हो सकती है, और क्या वजह, उनको ठंड नहीं लग रही है। हाँ, उनका जो जज्बा और जोश वही कायम है। हाँ, बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, आप देख रहे हो चारों तरफ माहौल है, चारों तरफ बर्फ है, एकदम लग रहा है कि स्विट्जरलैंड में हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सच में ये कहा है, जो बार बार ये कहा गया है कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन ये देखिए आप खुद देखिए कि जन्नत से खूबसूरत नजारा आपको नजर आ रहा है, और राहुल गांधी का वही जोश, वही रुतबा और वही तरीके से वो चल रहे हैं, और देखिए अभी भी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल नेक नियत के साथ की हुई यात्रा, जो नफरत को मिटाने के लिए, मोहब्बत के लिए आज ये पैगाम लेकर के कश्मीर तक पहुंचे। हमें उम्मीद इतनी नहीं थी, मैं वही कह रहा हूँ, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ स्वागत होगा। जम्मू में बहुत शानदार स्वागत हुआ, अभी कश्मीर में लोग पलके बिछाए अपने महबूब नेता को वेलकम करने के लिए दोनों तरफ खड़े हैं, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, सब लोग मोहब्बत कर रहे हैं राहुल गांधी से। और राहुल गांधी का जो ये एजेंडा है, मोहब्बत का एजेंडा, मोहब्बत की जो बात है, कश्मीरियों के साथ कितना नाइंसाफी मोदी साहब ने करा, क्योंकि 2019 की बात लगातार होती है, धारा 370 वाली बात करते हैं ये लोग। देखो कांग्रेस की सरकारें रही देश में, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम किया। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, किसने बनाया? ये कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार में बनाया है, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सबने हमेशा जम्मू कश्मीर का ख्याल रखा। अरे राहुल गांधी तो यही के है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे ना, कश्मीरी पंडित थे। हाँ, फिर तो उनको पता है यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ की तकलीफ है। राहुल गांधी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं और मोहब्बत से रखना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में ये जो नफरत का पैगाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, इसको मोहब्बत से मिटाया जा सकता है, क्योंकि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए तमाम तरीके से देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और जो काजीगुंड के जो लोग हैं वो राहुल गांधी से इतना प्रेम करते हैं कि इतने ठंडक में भी, इतने ठंड में भी राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बर्फ की चादरों के ऊपर खड़े हैं और पूरे भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें, क्या नाम है जनाब आपका? हाँ, तो फैज साहब कहाँ से हैं? यहीं से हैं, अमरनाथ से। अच्छा, तो राहुल गांधी जी इतना ठंड है, आप लोग डबल जैकेट मारे हुए हैं, राहुल जी आज भी टी शर्ट में चल रहे हैं, तो क्या लगता है क्या शक्ति है राहुल जी में? बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, मगर आप लोगों को भी मात दे दिया राहुल जी ने।
बहुत ही बहुत ही बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा दिल का लीडर मिल गया अपने दिल का। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा बिल्कुल खुशी मिल रहा है आपको? बहुत खुशी, बहुत बहुत बड़ी खुशी मिल रही है हमको, बहुत बड़ी खुशी। क्या नाम है आपका? तालिब हुसैनी। तो तालिब साहब, तो राहुल गांधी इस ठंडी में भी टी शर्ट में चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना मतलब मजबूत है वो व्यक्ति? बहुत बहुत मजबूत है, तभी तो चल रहा है टी शर्ट में, जब मजबूती होगी तभी चलता है इंसान। अच्छा राहुल गांधी जी, मोदी जी को भी टी शर्ट में चलवा दिया जाए? नहीं नहीं, वो तो चल नहीं सकता है, वो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। अच्छा ये तो वाहिद की लीडर है, वाहिद की पार्टी है वो, कांग्रेस की पार्टी राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी। अच्छा बस यही तो, यही तो देश को, यही तो देश को चला सकते हैं। कश्मीर के लोग राहुल जी की यात्रा में इतने ठंड में भी काफी हजारों में खड़े हैं, तो क्या उम्मीदें? इंशाल्लाह उम्मीदें लगा कर रखे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा। हर कोई चीज सस्ता हो जाएगा, हर कोई चीज। अच्छा। गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अच्छा। चावल सस्ता हो जाएगा, जो भी हम खाने की सामान है वो सर सब सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, यात्रा के बस कुछ ही दो दिन और इस यात्रा का बचा है। राहुल गांधी आज 21 डिग्री के ठंड में भी एक टी शर्ट में चल रहे हैं, और चारों तरफ देखिए पहाड़ पे या कह सकते हैं कि जमीनों पे बर्फ की चादर लपेटी है, जमीन सो रही है, और तमाम तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ कर रहा है। और चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर किस तरह से कहा जा रहा था, तो राहुल गांधी का जो खानदान है वो कश्मीरी पंडित ही है, तो इस तरह से लगातार वो अलग अलग तरीके से इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं। राहुल जी का काफिला शायद रुका हुआ है, कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इस यात्रा ने जिस संदेश और लक्ष्य के साथ, जैसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की, उस जमाने में भी उन्होंने एक सिर्फ एक चादर और एक डंडे के साथ यात्रा किया, और इसी बीच जो है ये पूरा यात्रा आगे की तरफ चल रहा है, और राहुल जी सिर्फ एक टी शर्ट में इस पूरे यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे मैसेज और कई सारे संदेश जो है क्लियर हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यात्रा में हम शुरुआत किए थे गर्मी से और ठंड में पहुंच गए, तो जिस तरह से जो खूबसूरती है उसमें राहुल गांधी का आना और इतने लोगों का मोहब्बत जानना शायद इस यात्रा को मजबूत कर रहा है, इस यात्रा के मकसद को पूरा कर रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जम्मू एंड कश्मीर। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।